हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इको पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, इफ द टाइम टेकन फॉर हियरिंग द इको ऑफ गर्ल्स वॉइस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्लिफ इज 6 सेकेंड। तो मान लो यहाँ पर कोई क्लिफ है, माउंटेन है इस तरह से, और यहाँ पर कोई बच्ची खड़ी है, लड़की खड़ी है, और वो इको मतलब वो चिल्ला रही है, या आपने देखा होगा मूवी में, जैसे नाम लेते हैं राजू राजू, तो इस तरह से चिल्ला रही है, और सामने क्या है, एक और क्लिप है। ये अब क्या हो रही है, इस ये जो चिल्ला रही है तो इसकी वॉइस इधर जाएगी और टकरा करके वापस इसको सुनेगी, और जो टकरा करके वॉइस वापस आ रही है इसी को हम क्या बोल देते हैं, ईको। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो बच्ची है वो इस माउंटेन से कितनी दूरी पर होगी। इफ द टाइम टेकन, हमें टाइम दे रखा है, टाइम की वैल्यू है 6 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द क्लिफ, मतलब यहाँ पर कोई क्लिफ है उससे कितनी दूरी पर ये बच्ची खड़ी है उसका हमें डिस्टेंस बताना है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है इट इज गिवन, स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड। तो देखो, ये वॉइस यहाँ से गई और यहाँ से जाने के बाद उसको 6 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, टोटल टाइम कितना है, 6 सेकेंड। तो इसका मतलब 3 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गई होगी और 3 सेकेंड में ही ये यहां से यहां पर आई होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना, मतलब जैसे यहां से जा रही है तो जितना डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक कवर किया होगा उतने डिस्टेंस में यहां से यहां आई होगी। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो यहां पर जो टाइम है दोनों का 3-3 सेकंड हम ले सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड कितनी है 330 इंटू में टाइम कितना है, तो टाइम है हमारे पास 3 सेकंड का। ध्यान रखना 3 सेकंड उसको जाने में लगा है, तो मैं यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं और वो टाइम कितना है 3 सेकंड, क्योंकि जो जाने में समय लगा वो 3 सेकंड है। स्पीड कितनी है 330, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 990 मीटर। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा मान लो ये तो मैंने टाइम को डिस्क्रीट कर दिया, मतलब अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। इसके अलावा आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते थे कि लेट टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी इधर का और डी इधर का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D। अब लगा दो फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर हम टोटल टाइम ले लेंगे मतलब जाने और आने तक का। तो स्पीड कितना 330, टोटल टाइम कितना 6/2। बात एक ही, आंसर अभी भी उतना ही आएगा 990, तो आप कैसे भी कर सकते हो उसको।